व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जीओ से लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खेल कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस वार्षिक खेल कैलेंडर को भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने मिलकर तैयार किया है। कैलेंडर लोकार्पण कार्यक्रम में रोमियो फोर्स के जीओसी, जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी, उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और कबड्डी, रेसलिंग, एथलेटिक्स व हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा काफी संख्या में सैन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने इस मौके पर कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव और फिट इंडिया कैंपेन को ध्यान में रखते हुए इस वार्षिक खेल कैलेंडर को तैयार किया गया है, जो दूर दराज क्षेत्र के खिलाड़ियों को उभर कर आगे आने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने युवाओं से व्हाइट नाइट कॉर्प्स की ओर से आयोजित की जा रही व्हाइट नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। इस अवसर पर पीर पंजाल कबड्डी लीग 2022 के विजेता मेंडर टीम को पुरस्कृत भी किया गया। इस टूर्नामेंट में विभिन्न जिलों की 14 टीमों ने हिस्सा लिया था। टीम कैप्टन अमर मारूफ खान, देखिए यूथ हमारा फ्यूचर है और यूथ के साथ ही आगे देश का डेवलपमेंट होता है। इस यूथ को हम अभी से ही एक प्रॉपर तरीके से जो सोसाइटी के अच्छे नियम हैं उसमें शामिल करेंगे तो हमारे देश की जो आगे तरक्की को और कोई आगे नहीं कम कर सकता है। इसी एक मकसद के साथ जो यूथ है उसको स्पोर्ट्स के अंदर कैसे इन्वॉल्व किया जाए, जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने जो ऑफ सद्भावना के प्रोजेक्ट से सबको मिलके एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया है कि जो उनको प्लेटफॉर्म मिले, फैसिलिटीज़ मिले ताकि उनको अपने स्किल्स के साथ आगे बढ़ने का एक मौका मिले।